हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्मार्ट स्टडी सेल। मेरा नाम रोहित वर्मा। तो स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें हम करेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 200 प्रश्न। तो यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। अंग्रेजी बोलने के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा देश है? तो अंग्रेजी बोलने के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर है भारत। और आपको जान के हैरानी होगी कि इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में मूवी करने वाले प्रथम एक्टर कौन बन गए? तो हाल ही में नासा ने कंफर्म किया है कि अंतरिक्ष में दुनिया की पहली मूवी बनाई जाएगी, जिसमें प्रथम एक्टर काम करेंगे टॉम क्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी, यानी कि ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? तो यह तांत्रिका कोशिका यानी कि नर्व सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो इसमें बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है एंड शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। और इसमें जो बुध ग्रह है ये सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के अराउंड ये चक्कर सिर्फ 88 दिनों में कंप्लीट करता है। एंड इसमें जो शुक्र ग्रह है इसे पृथ्वी की बहन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुंध किसके कारण होती है, यानी कि मिस्ट इज कॉज्ड बाय? तो जब जलवाष्प ठंडी हवा या फिर कम तापमान के संपर्क में आते हैं तो वह धुंध में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीयक उद्योग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आते हैं, यानी कि टर्शरी इंडस्ट्री किस सेक्टर में आती है? तो देखिए तीन तरह के सेक्टर होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक उद्योग, तो इसमें क्या हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कृषि करना, मछली पकड़ना। और दूसरे नंबर पे आता है सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक उद्योग, तो इसमें क्या है प्राइमरी सेक्टर के हम राम टील का प्रयोग करके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और एग्जाम्पल क्या है इसकी, इंजन तैयार करना, ब्रेड बनाना एक्सेट्रा। और तीसरे नंबर पे आता है टर्शरी सेक्टर यानी कि तृतीयक उद्योग, तो इसमें क्या हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों का प्रयोग करके सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बैंकिंग, LIC हो गया, बीमा हो गया, ये सब टर्शरी सेक्टर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग को कोशिका का आत्मघाती थैला कहा जाता है, यानी कि कौन से ऑर्गन को सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोला जाता है? तो यह बोला जाता है लाइसोसोम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोले फिल्म में सूरमा भोपाल का किरदार निभाने वाले किस मशहूर एक्टर का निधन हो गया? तो इनका नाम है जगदीप, जिनका 81 साल की उम्र में 8 जुलाई को निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित, यानी कि हिस्टोलॉजी इज स्टडी ऑफ? तो हिस्टोलॉजी में हम स्टडी करते हैं टीशू की यानी कि ऊतकों की, और बोन की स्टडी को बोला जाता है ऑस्टियोलॉजी, मसल की स्टडी को बोला जाता है मायोलॉजी, एंड कोइंस यानी कि सिक्कों की स्टडी को बोला जाता है नुमेस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, यानी कि व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड फाइव ईयर प्लान? तो सेकंड फाइव ईयर प्लान का टाइम पीरियड था 1956 से 1961, और इसका मॉडल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, यह आधारित था महालोबिनस मॉडल के ऊपर। एंड इस टाइम पीरियड में इंडस्ट्री के ऊपर पूरा फोकस किया गया, जिसकी वजह से भारत का पहला स्टील प्लांट और LIC की स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2020 में कौन इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक भुगतान पाने वाले सेलिब्रिटी बन गए? तो यह बन गए ड्वाइन जॉनसन, जिन्हें आप द रॉक के नाम से जानते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में डैश शामिल, यानी कि द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स? तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, यानी कि उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट किसने लॉन्च की? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च किया हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल के आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।